नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में हनी ट्रैप में फंसा पुलिस का जवान। रेप की धमकी देकर के एक महिला ने ठगी 1,00,000 रुपए। पुलिस ने 50,000 रुपए की ब्लैकमेलिंग राशि के समेत आरोपी महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महिला के साथ कोर्ट में हुई थी पुलिस कर्मी की जान पहचान। बाद में लगातार 1 वर्ष तक दोनों के बीच में चल रहे थे संबंध। पिछले कुछ समय से महिला पुलिस कर्मी को दे रही थी रेप केस की दर्ज करवाने की धमकी। पैसे नहीं होने के कारण पुलिस कर्मी ने आरोपी महिला को दिए खाली चेक। महिला को 50,000 रुपए पहले दे चुका था पीड़ित, लेकिन आज 50,000 रुपए लेते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। ये पिंकी वाइफ ऑफ राजेश है, सोहाना की रहने वाली, जिसके खिलाफ हमारे एक मुलाजिम है जिसके साथ इसके रिलेशन हो गए थे, कोर्ट में ये मिले थे। उसके बाद इसने ये उसे लगातार उसके FIR दर्ज कराने, ब्लास्ट करके FIR दर्ज कराने का उसे प्रेशर बना रही थी, जिस एवज में ये उससे 2,00,000 रुपये मांग रही थी। उसी रिगार्डिंग उसने ये कंप्लेंट दी थी, जिसके बाद 50,000 रुपये इसने कल शाम को दिए थे। बाकी आज इसे इसने 50,000 रुपये और देने थे, बाकी उसके बाद इसकी बात तय हुई थी, जिस रिगार्डिंग इसे आज 50,000 रुपये देते ही इससे लेडी से रिकवर किए गए। टोटल 1,00,000 रुपया, एक फ्रिज और दो उसने जो चेक पहले से उस पर लिए थे, वो चारों चीज़ें उसे आज रिकवर की। तो किस बात का बना, ये अगर पैसे नहीं दोगे तो ये बलात्कार कर रही है, उसका FIR दर्ज कराने का बना रही थी इसके, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल से लगभग इनसे आप सुन रहे हैं। तो ये इसी रिगार्डिंग आज इसको MM कॉलेज के पास वहीं से इसको अरेस्ट किया गया। चेक कितने के थे जो बरामद हुए हैं? खाली चेक बरामद हुए, पहले इस चेक को 4 चेक दिए थे, 2 चेक उसने उसके अकाउंट में लगा दिए थे, 2 बताना। 2,00,000 रुपये पहले ले चुकी है, उसके अकाउंट से लगा चुकी है। तो अब फिलहाल कितने की बरामदगी हुई है इसे? अब टोटल 1,00,000 रुपये की बरामदगी हो गई है, जिसमें 2 चेक हैं अलग से और 1 फ्रिज भी बरामद हुई है। मामले में अकेली महिला या कोई? हाँ, अकेली महिला ही है। इसने पहले भी एक किसी बंदे के खिलाफ सदर थाना में FIR दर्ज करके इस तरह से दर्ज करवा रखी है। तो जांच जारी है जी? हाँ जी, बिल्कुल। महिला के खिलाफ कोई पहले मामला दर्ज? पहले अभी ये तो जांच का विषय है FIR में जो भी होएगा, बट अभी इसके FIR दर्ज कर लिए, महिला को अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश कर रहे हैं, आगामी जो कोर्ट आदेश होगा वो चल रहा है।